नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। इससे पहले की जो व्यंजन संधि की कड़ियाँ हैं, उसमें हम व्यंजन संधि के 6 नियम पढ़ चुके हैं। नियम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। आज हम पढ़ेंगे नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कहता है? नियम नंबर 7 कहता है कि स से पहले अ आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स है ये कौन सा है? दंत्य स। कौन सा है? दंत्य स। अगर विग्रह के बाद में क्या है? स है। और इससे पहले अ आ स्वर के अलावा, अ आ स्वर के अलावा कोई अन्य स्वर है तो ये दंत्य स मूर्धन्य ष में परिवर्तित हो जाता है। दंत्य से मूर्धन्य ष में परिवर्तित हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि स से पहले यानी विग्रह के बाद में क्या है? स है। विग्रह के बाद में स है और विग्रह से पहले अ आ स्वर के अतिरिक्त कई अन्य स्वर आ रहे हैं तो ये दंत्य से हमारा मूर्धन्य ष में परिवर्तित हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं इसके। अभी धन से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी में छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा जो है वो हमारे किसमें परिवर्तित हो, छोटी ई के बाद में क्या आ रहा है? स। तो ये दंत्य से हमारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य ष में। तो अभिधन शेख क्या हो जाएगा? अभिषेक। क्या हो जाएगा ये? अभिषेक। बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये, प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर ये प्रश्न पूछा गया है। फिर देखिए अभिधन सेचन, वही विग्रह से पहले छोटी ई है और विग्रह के बाद में दंत्य से है, तो इस दंत्य से को हम किसमें परिवर्तित करेंगे? मूर्धन्य ष में। अभिषेचन। ठीक है, फिर है हमारा निधन सेध, तो निधन सेध वही या छोटी ई है या स है तो क्या हो जाएगा? निषेध। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में निधन सेध करके दे दिया, आपसे पूछेंगे कि निम्न उदाहरण कौन सी संधि का है, या आपको निषेध शब्द दे दिया और पूछा इसका संधि विच्छेद क्या है और संधि का नाम भी बताइए, तो इसे आप विसर्ग संधि मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ विसर्ग नहीं है, ये व्यंजन संधि है क्योंकि यहाँ व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है, तो स्व व्यंजन बराबर हमारे पास क्या आ रहा है? व्यंजन ही आ रहा है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण ना कि विसर्ग संधि का। विधन सम, छोटी की मात्रा और स, क्या हो गया? विषम। दंत्य से को मूर्धन्य ष में बदलेंगे। फिर है अनुधन संगी, अनुधन संगी का क्या होगा? अनुषंगी। अनुषंगी, वही हमने स को मूर्धन्य ष में बदला और यहाँ पर किसकी मात्रा है? छोटे उ की। फिर है प्रतिधन सेध, तो प्रति में छोटी की मात्रा है और सेध तो क्या हो गया? प्रतिषेध। मूर्धन्य ष, प्रतिषेध। फिर है सुधन समा, तो क्या हो गया ये? सुषमा। क्या हो गया? सुषमा। सुधन स्मिता क्या हो गया? सुष्मिता। सुष्मिता, ये तो थे हमारे उदाहरण, लेकिन कई बार परीक्षा में अपवाद आते हैं कि निम्न उदाहरण कौन सी संधि का है, या विच्छेद तो आपको दिया जाएगा, विच्छेद की विच्छेद देकर के आपसे पूछ लेंगे इसका संधि क्या होगा, संधि क्या होगी, तो अनुधन शरण आता है तो ये अनुशरण नहीं होगा, ये ऐसे की ऐसे ही लिखा जाएगा अनुसरण, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। विधन स्मरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये इस नियम के अपवाद हैं। नियम नंबर 7 का अपवाद है ये कि अनुधन शरण अनुशरण नहीं होगा और विधन स्मरण विस्मरण नहीं होगा। क्या होगा? अनुधन शरण अनुसरण ही रहेगा और विधन स्मरण विस्मरण ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, नियम नंबर 8। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 क्या कहता है? नियम नंबर 8 कहता है कि मूर्धन्य ष, मूर्धन्य ष के बाद त थ, ये हमारा मूर्धन्य ष है, मूर्धन्य ष के बाद यदि दंत्य व्यंजन त और थ आए तो क्रमशः त का तो ट हो जाता है और थ का ठ हो जाता है, यानी
अगर हमारे विग्रह से पहले मूर्धन्य श है और बाद में त या फिर थ है, तो इस त को तो हम ट में परिवर्तित कर देते हैं और थ को हम ठ में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे उदाहरण है हमारा आकृष धन त, आकृष धन त, यहाँ हमारा मूर्धन्य श है, यहाँ हमारा दंत्य त है, तो इस दंत्य त को हम किसमें बदल देंगे, ट में, किसमें बदलेंगे, ट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आ कृष्ण, क्या हो गया, आ कृष्ण। फिर है उत्कृष्ट धन त, तो वही यहाँ पर मूर्धन्य श है और यहाँ पर हमारा दंत्य त है, तो त को हम किसमें परिवर्तित करेंगे, ट में, तो क्या हो गया ये उत्कृष्ट, क्या हो गया उत्कृष्ट। आगे देखिए पुष्य धनति, अब यहाँ पर त है और यहाँ पर मूर्धन्य श है, तो मूर्धन्य श को हम त में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। पुष्य धनत पुष्ट, पुष्य धनत पुष्ट। फिर है हृष धनत हृष्ट, हट्टा कट्टा हृष्ट। फिर शश धन थ, अब यहाँ पर थ आ गया, थ को हम किसमें परिवर्तित करेंगे, ठ में, तो ये क्या हो गया षष्ठ, क्या हो गया षष्ठ। फिर देखिए निकृष्ट धन त, तो त को हम किसमें बदलेंगे, ट में, क्या हो गया निकृष्ट। फिर देखिए इष्ट धन त, तो ये क्या हो गया ईष्ट, क्या हुआ ईष्ट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यदि मूर्धन्य श के बाद में, मूर्धन्य श से षटकोण के बाद में यदि त या थ व्यंजन आता है, तो त को हम ट कर देते हैं और थ को हम ठ कर देते हैं। उदाहरण आपके सामने है, तो चलते हैं अगले नियम की ओर। हमारा अगला नियम है नियम नंबर 9। ये कहता है कि यदि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ए ऐ का मेल स्थ और स्न से हो, तो स्थ का तो ष्ठ हो जाता है, स्थ का आधे से का तो श हो जाएगा, आधा श मूर्धन्य श, और स्थ का ठ हो जाएगा, ठीक है। और इस न में आधे से का तो श हो जाएगा मूर्धन्य श और न का ण हो जाता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, यदि विग्रह से पहले, यदि विग्रह से पहले इन छह स्वरों में से कोई एक स्वर है, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए या ऐ, अगर इनका मतलब विग्रह से पहले तो ये स्वर है, विग्रह के बाद में आधा स और थ, आधा स और न है, तो इस आधे स और जो थ है इसको हम आधा श यानी मूर्धन्य श और ठ में परिवर्तित कर देते हैं, और आधा स और न है तो उसको हम आदर्श मूर्धन्य श और ण में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे करते हैं, उदाहरण देखिए, अधि धन स्थाता, इस अधि धन स्थाता को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा है, छोटी ई किया हमें, छोटी के बाद में आधा स और थ है, तो इस आधे स को हम मूर्धन्य श में परिवर्तित करेंगे और इस थ को हम ठ में परिवर्तित करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आदेश थाता, क्या हुआ ये आदेश थाता। फिर है निधन स्थूल, निधन स्थूल, तो यहाँ पर छोटी ई स्वर आ गया और यहाँ पर आधा स और थ आ गया, तो इस आधे स को तो हम आधे श मूर्धन्य श में परिवर्तित करेंगे, थ को हम ठ में परिवर्तित करेंगे और बाकी ऐसा का ऐसा लिख देंगे, क्या हो गया ये निष्ठुर, क्या हुआ निष्ठुर। फिर है हमारा प्रतिधन स्थान, इस प्रतिधन स्थान में भी छोटी ई स्वर आ रहा है और आधा स और थ आ रहा है, तो इस आधे से को तो हम बदलेंगे मूर्धन्य श में और थ को बदलेंगे ठ में, क्या हो गया प्रतिष्ठान। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये कि प्रतिष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा, या विच्छेद दे दिया जाएगा, पूछ लेंगे इसका संधि शब्द क्या होगा। फिर है अनुधन स्थान, इस अनुधन स्थान में भी वही कार्य करेंगे हम, आधे स को मूर्धन्य श में बदलेंगे, थ को ठ में बदलेंगे और क्या हो गया ये अनुष्ठान, क्या हो गया ये अनुष्ठान। फिर प्रतिधन स्था, तो क्या हो गया ये प्रतिष्ठा, क्या हुआ प्रतिष्ठा।
आगे देखिए युधिधर स्थिर, ये भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है, संधि शब्द भी पूछ लिया जाता है और कई बार इसे शब्द शुद्धि में भी दे दिया जाता है। अशुद्ध शब्द दे दिया जाता है या प्रश्न दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो उसमें भी ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो वही कार्य करना है हमें। यहाँ पर विग्रह से पहले छोटी ई मिल रही है हमें और विग्रह के बाद में आधा सा और थ मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, विग्रह से पहले वाले शब्द को ऐसे के ऐसे लिखना है, नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। फिर आधे स को हम बदलेंगे मूर्धन्य श में, थ को बदलेंगे ठ में और ऐसे के ऐसे लिख देंगे। क्या हो गया युधिष्ठिर, क्या हुआ युधिष्ठिर। फिर है निधन स्नान, अब यहाँ पर स्ना आ रहा है तो स्ना को हम किस में बदलेंगे, आधा श मूर्धन्य श आधा और ण में, तो क्या हो गया ये निष्णात, क्या हुआ ये निष्णात, क्या हुआ निष्णात। आगे प्रतिधन स्थापन, तो इस प्रति को तो हम यू की यू लिखेंगे और स्थापन में स की जगह तो श आ गया, थ की जगह थ आ गया और पन को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, क्या हुआ ये प्रतिष्ठापन। फिर देखिए एक बार, यदि विग्रह से पहले छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ या ए आई में से कोई स्वर आए और विग्रह के बाद में यदि आधा स और थ अर्थात आधा आधा स या आधा थ या फिर आधा स और न आ जाए, तो आधे स को तो हम बदलेंगे मूर्धन्य श में और थ को बदलेंगे ठ में और न को बदलेंगे हम ण में। ठीक है, आपके सामने उदाहरण है। फिर हम चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 10 हमारा कहता है कि विग्रह से पहले दुस और निस उपसर्ग जो है वो आते हैं और इसके बाद में यानी विग्रह के बाद में क प या फ इनसे निर्मित शब्द होते हैं, तो जो हमारा ये दंतस्य है ये दंते से हमारा मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। हमारा कब होता है, जब विग्रह से पहले दुस या निस उपसर्ग होते हैं तो उन उपसर्गों का के बाद में क प फ इन वर्णों से बने शब्द होते हैं, तो दंते स को हम मूर्धन्य श में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके, दुस धन कर्म, तो यहाँ पर क से बना शब्द है तो ये दंते स हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य श में, क्या हो गया ये दुष्कर्म। ठीक है, फिर है दुष धन कर, तो वही कार्य करना है हमें, दुष्कर, क्या हुआ दुष्कर। फिर देखिए दुष धन कृत्य, तो स को हम बदलेंगे किसमें, मूर्धन्य श में, तो क्या हो गया दुष्कृत्य। अगर आपको व्यंजन संधि समझ में आ जाती है तो आप उपसर्ग और प्रत्यय भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय भी व्यंजन संधि के ही अंतर्गत बहुत कुछ ऐसे हैं जो सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दुस और निस जो आपके प्रत्यय आए हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये प्रत्यय में आते हैं और इन प्रत्ययों से बनी संधि हमारी किसमें आ गई, व्यंजन संधि में आ गई। कुछ उदाहरण हमारे यण संधि के अंतर्गत भी थे, तो अगर आपको संधि समझ में आ जाती है तो आप उपसर्ग आसानी से कर सकते हो, और अगर आपको उपसर्ग समझ में आ जाते हो तो आप संधि कार्य आसानी से सरलता से कर सकते हैं। निष्धनकर्ष क्या हुआ, निष्कर्ष, हमने दंते स को किसमें परिवर्तित किया, हमने दंते स को मूर्धन्य श में परिवर्तित किया है। अगला उदाहरण है हमारा निस्धन कंटक, निस्धन कंटक, तो ये क्या हुआ हमारा निष्कंटक, क्या हुआ निष्कंटक, वही हमने दंते स को किसमें परिवर्तित किया, मूर्धन्य श में। फिर है निस्धन क्रिया, तो हमारा मूर्धन्य स किसमें परिवर्तित हुआ, सॉरी दंते स किसमें परिवर्तित हुआ, मूर्धन्य श में। नेक्स्ट है दुष्परिणाम, तो हमें वही कार्य करना है, जो दंते से है उसको हमें किसमें परिवर्तित करना है, मूर्धन्य श में। दुष्धन प्रहार क्या हुआ, दुष्प्रहार, दुष्प्रहार। यहाँ पर देखिए विग्रह के बाद क से बने हुए शब्द थे, किससे बने हुए शब्द थे, क
क से बने हुए शब्द थे, लेकिन यहाँ हमारे पास में विग्रह के बाद प से बने शब्द है, विग्रह के बाद प से बने शब्द हैं। तो हमारे जो नियम था हमारा वे यही कहता था कि यदि दुस और निस के बाद में क प और फ से बने शब्द आते हैं तो दंत्य स को हम किस में परिवर्तित करते हैं, मूर्धन्य श में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प से बने शब्द आ रहे हैं और प से बने शब्दों के आगे यदि स दुस होता है तो इस दंत्य स को हम मूर्धन्य श में परिवर्तित कर देते हैं। दुस धन फल क्या हो गया, दुष्फल। क्या हो गया, दुष्फल। निस्धन पत्ती क्या हुआ, निष्पत्ति। ठीक है, फिर है निस्धन पक्ष क्या हुआ, निष्पक्ष। क्या हुआ, निष्पक्ष। निस्धन प्राण क्या हुआ, निष्प्राण। ये थे हमारे व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि के नियमों के बाद में अगर हम देखें तो कुछ ध्वनियों का आगम होता है और कुछ ध्वनियों का लोप होता है। ठीक है, ध्वनि यानी कुछ व्यंजन या कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका मेल करने पर, जब हम व्यंजन संधि में उनका मेल करते हैं तो उनका लोप हो जाता है, और कुछ ऐसे हैं जहां पर कुछ व्यंजनों का या कुछ स्वरों का आगम हो जाता है। वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।